हेलो एवरीवन, आईटीएन ट्रेडर फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आ गए हैं हम, जिस पे हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स हमने पढ़े हैं उनका लाइव चार्ट पे कैसे यूज़ करना है और उनको किस प्रकार से यूज़ करना है लाइव चार्ट पे, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर और किसी भी स्टॉक पे, तो हम उसका प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे। तो चलते हैं यहाँ पे वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच सके। और एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है इसका कैंडलस्टिक पैटर्न पार्ट वन, तो उसको जरूर देखिएगा, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, सब वीडियोज़ के मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे चलते हैं लाइव के अंदर। तो ये हम आ गए निफ्टी के चार्ट पे, तो हम करंट चार्ट के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि करंट चार्ट में कैसे काम करना है। तो ये डेली चार्ट पे है, तो डेली चार्ट पे भी काम कर सकते हो, 5 मिनट पे भी काम कर सकते हो, 15 पे भी काम कर सकते हो। आप इंट्राडे में काम करो, 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट, किसी पे भी कोई समस्या नहीं है इनके सबके साथ में। तो यहां पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, तो आपको मैं यहां पे दिखाता हूं। देखो, आप देख रहे होंगे कि यहां से मार्केट ऊपर क्यों गया, ये बताइए मुझे, आपको दिख रहा होगा। तो आपको दिख रहा है यहां पे कि यहां से मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद भी जो ये कैंडलस्टिक बनी हुई है, आप मुझे ये कंफर्म कर सकते हो कि ये जो कैंडल बनी हुई है ये रेड कैंडल है, और रेड कैंडल के बाद में यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है, आप इसको अच्छे से देखिए, ये जो कैंडल है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, क्योंकि इसने ढक लिया है। अब इसके जस्ट नेक्स्ट वाले दिन तो नहीं निकला, लेकिन उसके नेक्स्ट वाले दिन यहाँ पे देखिए कि मार्केट ऊपर गया और ऊपर चला गया यहाँ पे, और ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे आपको टारगेट भी मिल गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस और यहाँ पे ऊपर चला गया मार्केट, और स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे सपोर्ट की बात करोगे तो यहाँ पे देखिए कि ये क्यों, यहाँ से अगर बड़ा टारगेट लेना है तो बड़ा टारगेट लोगे तो मुझे बताइए कि यहाँ से ऊपर क्यों गया। तो आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए यहाँ से ये पूरा जोन क्या है, ये जोन क्या है, यहाँ पे सपोर्ट जोन है या नहीं है मुझे ये बताइए, ये सपोर्ट जोन है या नहीं है। तो सपोर्ट जोन के पास में से कंफर्मेशन मिल ले रही हो तो यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, और आप देखिए कि मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब दूसरी भी चलते हैं, यहाँ पे देखिए कि मार्केट जो यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, ठीक है, और यहाँ से नीचे क्यों आ गया ये, तो नीचे देखिए कि ये जो कैंडल बनी हुई है, मुझे ये बताइए ये कौन सी कैंडल स्टिक हो गई, ये ग्रीन कैंडल हो गई, इसके जस्ट ऊपर से रेड कैंडल बन गई और 50% तक भी आ गई है। अब यहाँ पे ये कैंडल स्टिक को क्या बोलोगे, इसको बोलोगे कि आप डार्क क्लाउड कवर, और डार्क क्लाउड कवर के जस्ट नीचे से, यहाँ से ऊपर से तो नहीं आई लेकिन नीचे से जैसे ही ओपन हुआ और उसने लो ब्रेक किया तो यहाँ से नीचे मार्केट आ गया, तो यहाँ पे भी नीचे आ गया मार्केट। फिर दूसरे दिन देखिए कि यहाँ से फिर थोड़ा सा ऊपर गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के पास में है, ये कैंडल को क्या बोलोगे आप, इस कैंडल को क्या बोलोगे आप, इस कैंडल को बोलोगे आप शूटिंग स्टार कैंडल, और शूटिंग स्टार बन गई, उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए कि इसके जस्ट नीचे ब्रेक करते ही मार्केट नीचे आ गया। अब मैं यहाँ पे ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ से नीचे आया। अब इसको अगर आप कन्फर्मेशन के साथ में देखोगे तो यहाँ से देखिए कि ये जो जोन है, ये जो जोन यहाँ पे आप देखिए, ये जो जोन बनी हुई है, ये रेजिस्टेंस जोन है या नहीं है, ये रेजिस्टेंस जोन है या नहीं है, ये जो जोन बन रही है यहाँ पे, ये जो जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है या नहीं है। तो रेजिस्टेंस जोन के पास में अगर ये बनती हैं तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, कंफर्मेशन मिल गई आपको, और कंफर्मेशन मिल गई है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि शूटिंग स्टार हो गई, डार्क क्लाउड कवर हो गया, बुलिश एंगल्फिंग हो गई। अब आपको और देखना है, और चलते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिरता हुआ आया, और फिर यहाँ पे देखो इस कैंडल को क्या बोलोगे आप, ये मैंने नहीं बताई लेकिन ये स्पिनिंग बॉटम कैंडल होती है, लेकिन उसके जस्ट आगे ये कैंडल देखिए, इसको आप ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बोल सकते हो और इसको हैमर कैंडल स्टिक भी बोल सकते हो। तो जैसे इसके मार्केट ऊपर गया तो मार्केट देखिए अच्छे से ऊपर गया, और इसको भी थोड़ा देखोगे अगर मल्टी कंफर्मेशन के साथ में देखोगे तो आप देखो कि ये मार्केट यहाँ से क्यों गया है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट जोन है या नहीं है, ये जोन है जो सपोर्ट जोन है या नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको मार्क कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा कि ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन है, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये कंटिन्यूअसली सपोर्ट जोन में था, ये सपोर्ट जोन ही है यहाँ पे, क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे सपोर्ट 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 लेकर के गया है, ठीक है। तो अभी आप देखो कि ये सपोर्ट जोन है या नहीं है, तो जब सपोर्ट जोन के पास में ये बनी हुई है तो ऊपर जाना ही है इसको, ठीक है। तो ये आप देख लिए। अब 15 मिनट पे भी चल लो कि 15 मिनट पे कैसे काम करेगा, 15 पे भी सेम चीज़ है। यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अभी रेंज के अंदर था, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ से मार्केट क्यों गिर गया, तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट नीचे आ रहा था और नीचे आने के बाद में इसने रिट्रेस किया, और रिट्रेस करने के बाद में आप देखिए कि ये जो जोन दिख रही है आपको, ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे ये जो जोन दिख रही है आपको, ये रेजिस्टेंस जोन है या नहीं है। अब जब रेजिस्टेंस जोन है और उसके पास में आपको ये दिख रहा है कि ये जो कैंडलस्टिक बनी हुई है, इसको क्या बोलोगे, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बोलोगे ना, तो बियरिश एंगल्फिंग कैंडल के जस्ट नीचे निकलते ही आपने सेल कर दिया और मार्केट देखो कितना गिर गया है। थोड़ा सा पीछे और चल लेते हैं, थोड़ा चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ से मान लीजिए आपको
तो यहां से नीचे आया तो ये कैंडलस्टिक को क्या बोलोगे आप, हैमर कैंडल बोलोगे ना, तो हैमर कैंडल के जैसे ही ऊपर निकला तो यहां से मार्केट ऊपर गया। इस कैंडल को क्या क्या कहोगे आप, इस कैंडल को देखो आप, ये है कौन सी, शूटिंग स्टार कैंडल वापस से। जैसे ही शूटिंग स्टार कैंडल बनी इसके लो के नीचे आपने सेल कर दिया, और सेल करते इसका ऊपर का साइड में था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ गया। तो ये रेजिस्टेंस जोन के पास में बनी हुई है, ये जो जोन है आप देखो, ये जो जोन बना हुआ है ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है ना यहाँ से, तो ये रेजिस्टेंस जोन है, तो रेजिस्टेंस जोन के पास में बन गया। अब बैंक निफ्टी के ऊपर भी चल लो, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले तो आज ही की ये कल की कैंडल देख लो, 23 फरवरी की देख लो 2023 की, तो यहाँ पे ये कैंडल है, इसको क्या कहोगे आप, ये क्या है, तो ये हैमर भी बोल सकते हो, ड्रैगन फ्लाई दोजी भी बोल सकते हो। तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, तो मार्केट अब ऊपर ओपन हुआ था तो यहाँ पे नीचे आ गया। अब जैसे ही इसके ऊपर वापस निकलेगा ये जो लेवल है इस कैंडल के हाई के, तो आपको बाई करना है। अब ये जो ये मान लीजिए कि ये कैंडल है, यहाँ से मार्केट क्यों गिर गया है यहाँ पे, तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये रेजिस्टेंस जोन है, आपको दिख रहा है कि ये रेजिस्टेंस ले रहा है कंटिन्यूसली, और ये जोन भी रेजिस्टेंस जोन ही है यहाँ पे। अब इस रेजिस्टेंस जोन के पास में क्या बनाइए, इसको आप काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी और 50% तक आ गई, दूसरे दिन इसके जैसे ही नीचे आई और मार्केट नीचे फिर बन गया, नीचे आ गया। यहाँ पे देख लो आप, रेजिस्टेंस जोन है ना, ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस लिया, कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे। तो कंटिन्यूअसली जब रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस जोन के पास में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बना, आप इसको क्या कहोगे, ये जो सॉरी इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, तो ये कैंडलस्टिक को क्या कहोगे, ये एंगलफिंग कैंडल बन गया, बेयरिश एंगलफिंग, और इसके जैसे ही लो को ब्रेक किया यहाँ पे, तो लो को जैसे ही ब्रेक करता है तो यहाँ पे देखिए आप, जो हमने बात की थी कि नेक्स्ट सपोर्ट के पास तक भी जा सकता है, तो ये सपोर्ट बन गया ना, तो यहाँ तक देखिए नीचे आ गया। इसको थोड़ा सा और पीछे चल लो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो यहाँ पे भी देखिए मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, और ये कैंडलस्टिक को क्या कहोगे आप, ये भी बुलिश एंगलफिंग कैंडल है, इसके ऊपर जैसे ही निकला मार्केट तो फिर यहाँ पे मार्केट के अंदर ऊपर देखिए स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, स्टॉप लॉस इसके नीचे है। आप सोच रहे हो कि ये मार्केट ऊपर का क्यों नहीं गया, तो ये स्टॉप लॉस नहीं हुआ है क्योंकि स्टॉप लॉस तो यहाँ पे है, तो ये कैंडलस्टिक भी दिख रही होंगी आपको। अब इसके ऊपर भी 15 मिनट पे चल लो, 15 मिनट पे कैसे काम कर रहा है, मैं थोड़ा सा इनको हटा देता हूँ क्योंकि 15 मिनट पे ये ज़्यादा बड़े बड़े दिखेंगे, तो 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे भी हम सेम चीज़ अप्लाई करके देखेंगे, तो ये कंटिन्यूसली देखो आप इसको, 15 क्या 15 मिनट पे भी देख, ये तो 15 है, ये 5 मिनट पे भी आप देख सकते हो, 5 मिनट पे भी कैसे काम करती है, 5 मिनट दिखा देता हूँ, 15 पे आपको दिखा दिया था मैंने, कितने ट्रेड लोगे आप दिन के अंदर। देखो सबसे पहले यहीं से देख लो आप, यहीं पे देख लो, मार्केट नीचे आ रहा था, ठीक है, ये नीचे आ रहा था कंटिन्यूअसली, और ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है ना ये, तो यहाँ पे तो मार्केट ओपन हुआ, और जैसे ही ओपन होता है तो आपने 10-15 मिनट रुकना है, काम नहीं करना है, तो आपको समझ भी नहीं आया कि नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। तो अब मार्केट मान लीजिए कि यहाँ ऊपर गया, ठीक है, और ऊपर जाने के बाद में फिर इसने क्या किया कि ये जो कैंडल बनी हुई है इसको इसने रिजेक्शन लिया रेजिस्टेंस के पास में जाकर के, ऊपर जाना चाहिए था ना, यहाँ से ऊपर नहीं गया और ऊपर जाने का बहाना करके रिजेक्शन दे दिया, और इस कैंडल को क्या कहोगे आप, ये है शूटिंग स्टार कैंडल। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर जाना चाहिए था लेकिन रिजेक्शन मिल गया, और अच्छा खासा रेजिस्टेंस के पास में ऊपर जाने की कोशिश की, रिजेक्शन मिला, नीचे ब्रेक किया, तुरंत यहाँ पे नीचे आ गया, फिर वापस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में रिजेक्शन मिला क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है ना ये, तो रिजेक्शन मिलते ही वापस आ गया नीचे। यहाँ पे आप देख लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस के पास में क्या बनाया इसने, शूटिंग स्टार बना दी, शूटिंग स्टार के बाद में यहाँ पे आप देखिए कि कंटिन्यूअसली नीचे आ गया ये मार्केट के, आप देखो स्टॉप लॉस नहीं हुआ, स्टॉप लॉस यहाँ पे है, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, यहाँ तक आ गया ये। तो फिर यहाँ पे भी देख लीजिए आप सेम चीज़, ये भी है मार्केट नीचे से ऊपर चला गया और यहाँ पे शूटिंग स्टार बना दी और मार्केट जैसे ही लो ब्रेक करता है नीचे आ गया। यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आ रहा था और यहाँ पे हैमर कैंडल या ड्रैगन फ्लाई दोजी बना दी और मार्केट जैसे ही इसके ऊपर निकलता है तो ऊपर चला गया। आप कितना भी अप्लाई करके देख लीजिए सेम सिचुएशन के अंदर, पीछे भी चल के देख सकते हो आप, यहाँ पे देख लो मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जा रहा था। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे हमने ट्रेड लिया क्योंकि ये मैंने आपको नहीं बताया क्यों नहीं लेना है, यहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे क्या बना, एक कैंडलस्टिक बनी है ना ये क्या बोलते हैं इसको, तो इसको शूटिंग स्टार बोलोगे, तो लेकिन ये एक्टिवेट नहीं हुई, इसके नीचे नहीं आया, तो ये वाली फिर से शूटिंग स्टार बन गई, और इसके फिर जैसे ही नीचे इस कैंडल पे आया तो देखिए मार्केट नीचे कंटिन्यूअसली नीचे आ गया। अब आप किसी बोलोगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ही काम करता है, तो स्टॉक्स पे भी देख लो, मैंने स्टॉक्स भी, अब सब चीज़ें तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन स्टॉक्स जो ICICI बैंक है उस पे देख लो, इस पे देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ से मार्केट गिर रहा था नीचे कंटिन्यूअसली, और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी ये वाली, और ये दोनों को कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे आप, इनको पियर्सिंग लाइन पैटर्न बोलोगे, तो पियर्सिंग लाइन के जैसे ही ऊपर निकलता है यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे इसके ऊपर निकला तो यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। इसके अंदर चलो पीछे थोड़ा सा, तो पीछे भी आके देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सा अब यहाँ से देखो मार्केट ऊपर जा रहा था,
एक कैंडल बनाई, नेगेटिव कैंडल हो गई, उसको क्या बोलोगे? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार के नीचे आता ही मार्केट नीचे आना शुरू। अब जैसे ही ये वाला जो स्विंग है ये सपोर्ट बन गया ना, तो इस सपोर्ट के पास में इस कैंडल को देखो आप, ये कैंडल देखोगे तो इसको क्या बोलोगे आप? इन्वर्टेड हैमर भी बन गया। फिर ये दोनों कैंडल, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, ये दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अब जैसे ही इसके ऊपर निकला मार्केट, तो फिर देखो ऊपर की साइड में चला गया। स्टॉप लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे, और ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉस नहीं होता, स्टॉप लॉस भी होता है। तो आपको मैंने यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बताई है, वो कैंडलस्टिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली कैंडलस्टिक है। उनके अंदर आप इनको मतलब अच्छे से काम करोगे तो ही काम होगा, प्रैक्टिस करोगे। आप 1000 चीज़ों के अंदर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में काम करते रहोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब 10 जगह ट्रेड लोगे कि मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले लूँ, मैं यहाँ पे भी ट्रेड ले लूँ, तो पैसा नहीं बनने वाला। कन्फर्मेशन के साथ में ट्रेड लोगे, जैसे कैंडलस्टिक की कन्फर्मेशन हो गई, फिर आगे हम चार्ट की देखेंगे, फिर वो की देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस की देखेंगे, तो सब कन्फर्मेशन अपने लेवल्स और पैटर्न बनने तक इंतजार करने तक आप करो, और फिर उसके बाद में सब चीजें बने और आपको चार्ट बोल देगा कि यहां पे आपको बाई करना है और यहां पे सेल करना है, तब आपको ट्रेड लेना है। ऐसे कहीं पे भी आपको घुसना नहीं है, आपको बैठे बैठे देखते रहना है, तो आपका पैसा बनेगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स मैंने बताए और जो लाइव चार्ट पे मैंने आपको दिखाया, वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप हमें कमेंट्स भी करके जो भी डाउट्स भी हैं वो भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो लर्निंग की वीडियो होगी वो थोड़े दिन के अंदर आने वाली है, तब तक आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे तरीके से सीखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।